हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीग 11 यूट्यूब पेज। इंडिया अपनी इंग्लैंड जो गई हुई है 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए, जिसकी आपको पूरी कवरेज हमारे लीग 11 के यूट्यूब पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मिल रही है। इसमें इंडिया जो पहला मैच खेल रही है अपना, जिसका आज पोर्ट डे भी है, वो ट्रेंट ब्रिज के मैदान में खेल रही है। ट्रेंट ब्रिज का जो ग्राउंड है ये नॉटिंगम में है और इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पे काफी टाइम से काफी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के लिहाज से, जो ट्रेंट ब्रिज पे इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। ट्रेंट ब्रिज का जो मौसम होता है वो एज कम्पेयर टू बाकी इंग्लिश ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मौसम गर्म होता है, जिसका फ़ायदा इंडिया की टीम को काफ़ी बार मिलता है। अगर हम देखें तो वहाँ पे विराट कोहली 52 के एवरेज से रन मारते हैं और चेतेश्वर पुजारा 44 के एवरेज से ट्रेंट ब्रिज के मैदान पे रन मारते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो मौसम वहाँ पे होता है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं एशियन कंडीशंस की तरह होता है, और इसका मदद हमारे बैट्समैन को भी मिलता है। इंडिया की तरफ से ट्रेंट ब्रिज के मैदान पे एक बार हार्दिक पांड्या भी 5 विकेट ले चुके हैं और एक बार जाहिर खान भी 5 विकेट ले चुके हैं। इंडिया ट्रेंट ब्रिज के मैदान पे मैचेस भी जीतती है, और जब भी इंडिया इंग्लैंड जाती है तो जो नॉटिंगम वाला टेस्ट मैच होता है इंडिया के लिहाज से वो हमेशा अच्छा ही होता है, और इंडिया इस टेस्ट मैच में अपनी पूरी जान लगा के इस मैच को जीतने की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस सीरीज़ के लिहाज से ट्रेंट ब्रिज में ये सीरीज स्टार्ट होना इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पहला मैच जीती है तो वही मोमेंटम आने वाली टेस्ट सीरीज़ में कैरी फॉरवर्ड भी करेगी। और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें एंड हमारी नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शाश्वत भल्ला।